फ्रेंड्स, अभी मैं नहा के मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत अपना लुक चेंज करती हूँ। तो अभी मैंने ये बीच वाला निकाला है, मांग सिंदूर लगाई हूँ एकदम। जैसे कैसी लग रही हूँ? और ये सूख गया है, बहुत दिन हो गया ना, इसलिए अभी इसमें नहीं है उतना, क्योंकि मैं इसको यूज़ भी नहीं करती हूँ, बहुत कम यूज़ करती हूँ, कहीं जाना भी नहीं है। लेकिन मैंने सोचा चलो घर में ट्राई करते हैं। साइड का ले लूँ ना पुला, कभी लिया ही है ना मैंने, शादी के बाद भी कभी बीच वाला मांग मैंने निकाला ही नहीं है। हाँ बेटा कितनी सुंदर लग रही है ना एकदम। हालांकि बच्चों को लगाना नहीं चाहिए, मुझे भी पता है। ओली मेरा छोना, एक्चुअली मैं ना खाना बैठाई हुई थी, तो एक तरफ दाल एक तरफ चावल में बना रही हूँ। बहुत 3-4 दिन हो गए मुझे चावल बनाए हुए, दाल भी मेरा पक के तैयार हो गया। बिठा के फिर मैं नहाने चली गई, सोची कि जब तक मैं नहा के आऊँगी तब तक मेरा काम हो जाएगा। और मैंने बहुत दिन के बाद फिर वही साड़ी पहना, उधर रेगुलर कुछ दिन पहनती थी, एक्चुअली नहीं पहनती हूँ क्योंकि पूरा दिन मैं पहन के रह नहीं पाती हूँ। तो इसलिए कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि प्लीज़ साड़ी पहना कीजिए, अच्छे लगते हैं साड़ी में, थोड़ा सा एक वही आदमी पर लुक थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना, तो इसलिए मैंने। और कुछ मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि आप वीडियो को जो है वो सुबह में शूट कीजिए। एक सेकेंड बैठ के फ्रेंड, पता है मैं तो ब्लॉग बनाती हूँ ना, तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि सुबह सुबह ही हम वीडियो शूट करेंगे, सुबह से लेके कभी कभी रात भी हो जाता है। जब हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो सुबह में करती हूँ, शाम को करती हूँ, कभी बाई चांस ही अगर टाइम ना मिल पाए तो ही मैं जो है वो रात में करती हूँ। और सुबह में हम औरतों के पास बहुत सारे काम होते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह से ही करूँ ताकि, और सुबह से रात तक करने में वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, कोई देखना भी नहीं चाहेगा, एक बोरियत जैसा लगेगा। तो जनरली कोशिश करती हूँ कि 10-12 मिनट का ही मेरा ब्लॉग हो, उसमें बहुत सारी मुझे तो एडिट करने के बाद कट कर देती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती 15-20 मिनट का हो, वो सब तब अच्छा लगता है उतना लंबा जब थोड़ा बाहर जा रहे हैं, तो एक कमरे के अंदर में लोग कितना मिनट का वीडियो लेंगे। तो कभी रात में भी हो जाता है मेरा, कभी सुबह में भी हो जाता है। तो आप लोग अगर ब्लॉग बनाते हो तो आप लोग सही में समझ पाओगे मैं जो कहना चाहती हूँ। और दूसरी बात ये कि कहीं तो जाना नहीं है, मैं इतना सजने के बाद भी गेट के बाहर भी नहीं निकल सकती, इतना ज़्यादा धूप है। और अभी तो जो चल रहा है आप लोग देख ही रहे हैं फ्रेंड, आई होप कि ये सब मतलब बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि सुबह से लेके शाम तक न्यूज़ हो या घर के बाहर किसी से बात भी करो तो सिर्फ करोना 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 के बारे में ही। ये जैसे जैसे ये खुल रहा है जो भी चीज़ दुकान हो या जो, तो इसकी संख्या जो बढ़ती जा रही है, तो बहुत हम लोग भी डरे हुए हैं। पर मैं ब्लॉग बनाती हूँ, आप लोगों से बात करती हूँ, तो मेरा मन बहुत हल्का हो जाता है, मैं अपने माइंड को किसी और जगह जो है वो हटाने की कोशिश करती हूँ ताकि वो चीज़ बार बार हम लोग ना सोचें, दिल पे ना मतलब आए, हर जगह वो टीवी में ये सब देख के बहुत अजीब सा फील होता है। एनीवे मैं इस टॉपिक पे अब ज़्यादा बात नहीं करूँगी, मैं चलती हूँ, अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 12:20 हो रहे हैं, मैं थोड़ी देर में फिर आपसे मिलती हूँ। पहले चादर बिछा देंगे ना बाबू, उसके बाद ये जो प्रिंट कलर कैसे प्रिंट ही दिख रहा है ना फ्रेंड्स, ये कोई चादर नहीं है, ये एक तरह ये एक साड़ी है काफ़ी पुराना, जिसका मैंने बालापोस जैसा बनवाया था, तो मेरे पास जगह नहीं था, कितना रजाई बनाती, इसलिए मैंने इसको बेड पे ही ऐसे डाल दिया था।
बच्चों का घर है तो अभी मैं धूप दिखाने गई थी, क्योंकि नीचे में ये वाला गद्दा है, धूप दिखाना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐसे डाल दिया। ऐसे देखने में दूर से कैमरे में बहुत खूबसूरत लग रहा है, एकदम लग रहा है जैसे कोई चादर ही है। और मेरी मुम्मू रानी, 2 दिन से इसको धूप दिखा रही हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे धूप मैंने नहीं दिखाया था, तो सोचा चलो धूप दिखा लूँ। बाबू रुको, अभी मुझे ठीक करना है, जब मैं अच्छे से बिछा लूँगी ना चादर तब करना है ना। इसका तकिया का कवर पता नहीं मैंने कहाँ रखा है, पूरा मुझे अभी खोल खाल करना पड़ेगा, तब से मैं हमेशा सिर्फ चादर ही डाल रही हूँ। हाँ बेटा, चादर को डालना है ना बाबू, नहीं डालेंगे तो नहीं ना अच्छा लगेगा। अच्छा दिखाओ पराजिता, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, सुनो 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 बाबू, दिखाओ तो इसको क्या बोलते हैं? अपराजिता बोलते हैं। वाह, कौन सिखाया? डैडी सिखाए हैं। एक फूल तो ये है अपराजिता, दूसरा फूल ये है अपराजिता, ये अपराजिता नहीं है, तुम्हारा नाम क्या है? Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on and on. यार सब्जी काटते काटते ना ऐसा कर ली हूँ, यहाँ पे लग रहा है चाकू, पसीने पसीने हो गई ना मैं, मुझे गर्मी एकदम नहीं बर्दाश्त होता है, और काम हो रहा है तो एग्जिस्ट भी चल रहा है। हाँ, आ गई अपने औकात में जो मेरा रियल का रूप है, खोल खाल के रख दिया मैंने, पता नहीं क्यों फ्रेंड्स मुझे बहुत साफ लगता है कि मैं पहन के पूरे दिन रहूँ, लेकिन रह नहीं पाती हूँ। बस वही जितने दिन मेरी जो शादी हुई थी और मैं नई नई थी ना, मुश्किल से 1 या 2 महीना मैंने ढंग से साड़ी पहना होगा, उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। मैं इसलिए मैं ज़्यादा खरीदती भी नहीं हूँ, जो है वही सध जाए वही बहुत है। मुश्किल से घड़ी का टाइम देख के आधा घंटा, वो भी घर में हो तो आधा या 1 घंटा, घर में हो तो 1 घंटा चल जाएगा, अदरवाइज कहीं बाहर गई हूँ तो मुझे तो संभालते बनता है। पर इंडियन हूँ, हमारा ऐसा कल्चर है कि साड़ी पहनना अच्छा लगता है, बहुत मुझे बहुत पसंद है, लेकिन पता नहीं क्यों अनकंफर्टेबल जैसा फील करती हूँ। कौन सा पिक्चर है बोले? अलादीन। अलादीन देख के आते हैं बाहर का। चलिए मैं आपसे अब शाम को मिलती हूँ।
व्हाट्सएप में जो था ना उसको डिलीट कर दिए। इस पे ऐसे गर्म करते हैं, हे भगवान, नया आइडिया है। नहीं 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 वो नहीं, मैं जो हूँ अपना ब्लॉग जो है वो यहीं पे बंद करती हूँ, क्योंकि मैं अभी जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, आधा अधूरा बना हुआ है, तो रात भी हो चला है, तो मेरा आज का ब्लॉग बस इतना ही तक है। गुड नाइट, बाय बाय। वो सिर्फ तेल लगा रही है और कुछ नहीं कर रही है, बनाया तो किसी और ने। मेरे पास सब्जी बचा हुआ है, मैं उस समय के बाद फिर अभी डायरेक्ट मिल रही हूँ। आलू बैंगन का सब्जी भी है, भिंडी का भुजिया भी है। भिंडी का भुजिया पर है, और कहा है? अरे हमको लगा खत्म हो गया। नहीं, कितना है मतलब? 3 रुपए हमारे काम पर है ना है, तो इसलिए मैं चली आई इधर रात का खाना बनाने के लिए। मैं थोड़ा और टाइट बनाना चाह रही हूँ। क्या, तो ये कम कर दो नहीं तो ऐसे जल जाएगा। जो भी है, आवाज एग्जस्ट की वजह से थोड़ा सा धुंधला धुंधला आएगा। धुंधला नहीं, एकदम अजीब आता है। हाँ, उसका आवाज आता है, इसलिए बंद करना पड़ा। दिखाओ जी डैडी का 3-2 रोटी दो तो देख लिए और एक तवे पे है। ये तीसरा है। हाँ।